हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर का हिंदी एनालिसिस करते हैं। तो आज है 5th of September 2018। चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर में कौन कौन सी न्यूज़ हमारे पास है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आज 5 सितंबर है। तो आज के दिन हमारे देश में टीचर्स डे मनाया जाता है। तो आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोग टीचर्स डे के बारे में जाके सर्च कीजिएगा कि ये टीचर्स डे किस लिए मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है और आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है। और इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया है जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो आप उस वीडियो को देखकर भी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है और आज के दिन ही क्यों मनाया जाता है। इसी के साथ चलिए देखते हैं आज के हमारे न्यूज़ आर्टिकल। तो हमारे जो न्यूज़ आर्टिकल हैं, हमारा जो पहला न्यूज़ है, यह जो पहली हमारी जो न्यूज़ है इस एडिटोरियल में, यह है 2+2। जो 2+2 यानी 2+2 वार्तालाप दिल्ली में 6 सितंबर को होने वाली है, यानी कि कल ही होने वाली है। उसमें जो अफगानिस्तान में प्रॉब्लम चल रही है तो उससे संबंधित है कि उसमें इंडिया अपना रोल कैसे प्ले कर सकता है, तो उससे संबंधित है। इस आर्टिकल को हम विस्तार से समझेंगे। और ये जो अगला आर्टिकल यह वाला, यह पॉलिटी से संबंधित है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड आर्टिकल है। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने की बात की जाती है। साइमल्टेनियस इलेक्शन से मतलब सभी 28 राज्य और 7 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, उन सभी के इलेक्शन, सभी के एक साथ इलेक्शन कराए जाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम वगैरह के और छत्तीसगढ़ के चुनाव होने वाले हैं। इनके अलग अलग चुनाव ना करा कर सभी को एक साथ कराने की बात कही जा रही है। तो उसमें कहा जा रहा है कि तेलंगाना वाले लोग हैं, वह कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, कि जैसे आप देखेंगे कि अगर सारे इलेक्शन एक साथ करा दिए जाएंगे तो फिर जो लोग हैं, गाँव वाले लोग हैं, जो ज़्यादा जागरूक नहीं है, वो लोग क्या देखेंगे, जैसे कि किसी भी एक लीडर का नाम देख लेंगे या फिर किसी जो केंद्र में चल रहा है, जो केंद्र के मुद्दे हैं कि केंद्र सरकार ने ऐसा किया वैसा किया, उसको देखकर वोट डालेंगे ना। फिर यह नहीं देखेंगे कि राज्य सरकार ने क्या किया है। तो इसी से संबंधित है, तो इसको देखा जाएगा। तो यह बहुत कुछ प्रॉब्लम है साइमल्टेनियस इलेक्शन के साथ, तो उसी से संबंधित है। तो यह आर्टिकल ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो यह इतना ही दिया था इसमें, जो कि हमने यहीं देख लिया, तो इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे। अगला यह जो आर्टिकल है, यह है जो अभी दवाइयाँ वगैरह होती हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं। इस आर्टिकल को हम डिटेल में देखेंगे, यह किस संबंध में कहा जा रहा है। और यह जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जो सीरिया है, वहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रही है उससे संबंधित है। इस आर्टिकल को हम विस्तार से समझेंगे। यह आर्टिकल है आज वेडनेसडे, और आज यहाँ इंटरव्यू आता है। तो ये जो केरला है, केरला में अभी बाढ़ आई थी, तो वहाँ के ये चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि मुख्यमंत्री है, तो उनका इंटरव्यू लिया गया है। तो यह आर्टिकल और यह आर्टिकल, ये दोनों केरला से संबंधित हैं। यहाँ पर जो केरला की बाढ़ आई है उसमें क्या क्या परेशानियाँ हुई हैं उससे संबंधित है, जिसमें यहाँ की जो मिट्टी होती है केरला की, उसका जो क्षरण हुआ है उससे संबंधित है। और यह आर्टिकल भी राज्य से संबंधित है, एक आइलैंड के बारे में बात की जा रही है, तो यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ का जो कार्टून सेक्शन है, यह डॉलर और रुपये का कंपेरिजन किया जा रहा है कि किस तरह से डॉलर हमारे रुपये से कितना ऊपर चला गया है और हमारा जो रुपी है वह कितना गिर गया है। तो यह थे आर्टिकल। चलिए देखते हैं अपने आर्टिकल को विस्तार से। तो हमारा जो पहला आर्टिकल, पहली न्यूज़ है, वह अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है, जिसमें जो सीरिया है वहाँ की बात की जा रही है। तो आइए आपको मैं मैप में दिखाता हूँ कि किस क्षेत्र की बात की जा रही है। तो आप देख सकते हैं, यह सीरिया का मैप है। यहाँ पर इस जो बॉर्डर है, यहाँ की जो बॉर्डर सीमा है, वह जॉर्डन, इराक, इसराइल, लेबिनन, इन सबसे शेयर करता है। और इस पर्टिकुलर एरिया इदलिब, इसकी बात की जा रही है, जिसकी कैपिटल है डमास्कस, इसकी बात की जा रही है। ऊपर यहाँ पर तुर्की भी है, जो कि अभी आपको दिखाया नहीं जा रहा, और उसके ऊपर है रशिया। तो इन सब की बात की जा रही है, तो इस एरिया को आप समझ सकते हैं। और इससे पहले आपको आर्टिकल को हम डिस्कस करें, आप यह चीज़ भी समझ लें, यह जो येलो पीला वाला एरिया दिखाया जा रहा है वह किस कम्युनिटी के अंदर आता है, यहाँ पर कौन सी कम्युनिटी रूल करती है। यह है कुर्दिश, जो किस किस से मिलके बना है, सीरिया, तुर्की, इराक, इन सब का कुछ भाग मिलाकर, जहाँ पर कम्युनिटी जो कुर्दिश कम्युनिटी रहती है उन सब से मिलके बना है।
और फिर यहाँ जो सीरिया है, यहाँ पर जो रेड वाला दिख रहा है लाल कलर वाला एरिया, यह एरिया किसके अंडर में आता है? सीरियन गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। और इसके बाद जो आईएसआई वाला ब्लैक वाला एरिया दिख रहा है, जो आईएसआई के अंदर आता है, ठीक है। और फिर जिसके बाद जो यह इलाका दिख रहा है जो सफ़ेद टाइप का दिख रहा है, जो थोड़ा सा भूरा टाइप का कलर का दिख रहा है, वह रेबल फोर्स के अंदर आता है। टर्किश एंड रेबल फोर्सेस के अंदर कौन सा आता है? यह नीला कलर वाला, आसमानी कलर, जो डार्क नीला कलर है उसके अंदर आता है। तो इस सारे एरिया की बात की जा रही है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। और यहाँ जो यह है मेडिटेरियन सी है, आपको मैं बड़े वाले मैप में भी दिखा देता हूँ। तो देखिए ये वाला इलाका, ये रहा सीरिया, इसको हम थोड़ा जूम करते हैं। हमने जब जूम किया तो देखते हैं ये वाला इलाका है सीरिया, यहाँ पर है टर्की, ये रहा ईरान, इराक, सीरिया। तो यह वाला इलाका है, यह कुर्दिश कम्युनिटी के अंदर आता है और यहीं आईएसआई वाले लोग भी रहते हैं। तो इससे संबंधित है, यहाँ पर मेडिटेरियन सी है और इसके ऊपर ब्लैक सी है, यहाँ पर कैप्सियन सी हो गया और ये पर्शियन गल्फ हो गया इधर, और ये रहा रेड सी। तो ये सारी लोकेशन आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यह आसपास की इंफॉर्मेशन भी पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं हम अपना आर्टिकल। तो इस आर्टिकल में कहा जा रहा है जो इडलिब है, यहाँ पर बहुत सारी जो मानववादी संकट है, यहाँ पर बहुत बड़ा मानववादी संकट मंडरा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं, जिसमें अभी जो राष्ट्रपति बशर असद अल साद हैं, जो यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, तो इनकी सरकार के लिए चुनाव होने वाले हैं। तो जो ये जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनने यहाँ पर जो ये इदलीब में जो प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पर क्या है कि जो ये क्या कहते हैं इनको, जी हाँ, आंदोलनकारी होते हैं, जो यहाँ पर बड़ी मात्रा में आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, तो इनने राष्ट्रपति ने क्या किया है, इनसे निपटने के लिए एक फोर्स भेज रहे हैं यहाँ पर। और यह किसके साथ? सीरिया सरकार और उत्तर पश्चिमी इडलिब प्रांत के आसपास के सहयोगी द्वारा सैन्य बड़े पैमाने पर आंदोलनकारियों से निपटने की बात की जा रही है। और यहाँ पर रूस के लिए एक बड़ी बड़ी परेशानी का सामने आ रही है, जैसे कि रूस है जो मुख्य समर्थक किसका है, राष्ट्रपति बशर अली को भी जिताना चाहते हैं, और जो वहाँ के रेसेप्स हैं उनका भी, उनको भी साथ में लेकर चलना चाहते हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अभी चुनाव आने वाले हैं, तो यहाँ पर शांति बनाने के लिए ये प्रयत्न कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पर ऐसे ही आंदोलन चलते रहे, तो यहाँ की जो जनता है, जो मिलियन लोगों का घर है, लगभग 3 मिलियन लोगों का घर है, यहाँ से ये लोग दूसरे दूसरे देशों में पलायन करेंगे, जहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमने मैप में देखा, यहाँ से लोग कहाँ जाएंगे, आसपास की कंट्रियों में जाएंगे। और ये लोग भी यहाँ पर अपना एक कुर्दिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि कुर्द कमेटी है, कम्युनिटी है, ये कह कह रही है कि हम अपना अलग से स्वतंत्र देश बनाएंगे। और ये लोग जाएंगे कहाँ, आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यदि यहाँ से लोग पलायन करके, जो कि अभी बहुत सारा हुआ, जैसे रोहिंगा पलायन करके इंडिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया, ऐसे सिंगापुर, भिन्न भिन्न प्रकार के देशों में गए हैं, यहाँ से अगर लोग तंग रहेंगे, आंदोलन चलते रहेंगे, तो यहाँ से लोग पलायन करके कहाँ जाएंगे, टर्की में जाएंगे और इधर आसपास के एरिया में जाएंगे। तो यहाँ पर ये लोग आसानी से आने भी नहीं देते और लोगों को परेशानी होती है, इसलिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर शांति बनाने की बात की जा रही है, साथ ही फोर्सेस को भी तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से हम निपट सकते हैं। और यहाँ पर जो पुतिन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, वो दुविधा में है कि वो श्री असद को भी जिताना चाहते हैं, लेकिन तुर्की के रेसेप तैयब एडारगान को नहीं खोना चाहते हैं साथ ही में। तो संयुक्त राष्ट्र के पास एक दुविधा आ चुकी है, तो अब देखते हैं इसका क्या निष्कर्ष निकल के आता है और कैसे यहाँ पर शांति बनाई जा सकती है। और अभी यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, तो देखते हैं इसका चुनाव किस तरह से होते हैं और यहाँ पर कौन जीत के आता है। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था, आपको थोड़ी जो क्षेत्र है वहाँ का, एरिया है, उसका भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जो कि मैंने आपको मैप में दिखा दिया। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, यह पाकिस्तान से है। आरिफ अली अलवी पाक के नए राष्ट्रपति बन के आए हैं, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन निकल के आए हैं अभी? इमरान खान। तो अभी इनने शपथ ली है और पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाने की बात की जाती है। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। आप इनका नाम याद रख सकते हैं, आरिफ अलवी पाक पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान जी। तो आप इनका नाम भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अगली हमारी जो न्यूज़ है, यहाँ पर जो गूगल है, गूगल के बारे में बात की जा रही है। तो गूगल एक अमेरिकी कंपनी है, और इसने क्या कहा है, गूगल के पास अभी बहुत सारा हमारा डाटा है, और आप देख सकते हैं अभी हर एक चीज़
यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर कोई भी चीज़ हो गई, वो गूगल से ही चलती है। और यहाँ पर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट भी आती हैं। तो गूगल ने कहा है कि हम जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उसका साथ देंगे, ताकि जो अभी चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, वहाँ पर चुनाव से संबंधित कोई भी जो एडवर्टाइज होती हैं, एडवर्टाइजमेंट होती हैं, वो ना हो, ताकि एक फेयर इलेक्शन हो और किसी भी गूगल के थ्रू किसी को भी सपोर्ट ना किया जाए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो प्रतिनिधित्व यहाँ पर है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जो यह धारा है 126, इसमें लाने की बात की जा रही है। तो अब देखते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक अच्छे तरीके से इलेक्शन होंगे और किसी को भी ये सपोर्ट नहीं करेंगे। चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली हमारी जो न्यूज़ है, राष्ट्रीय न्यूज़ है दोस्तों। अभी आपको पता होगा कि 6 सितंबर को यहाँ पर 2+2 डायलॉग होने वाला है, जो कि मैंने आपको बताया किस किस मंत्रालय के बीच में होगा, तो उसी से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें कहा यह जा रहा है दोस्तों। इसके लिए भी हमें मैप की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको एक बार मैं मैप में दिखा दूँ। यह देखिए, ये रहा हमारा इंडिया, यहाँ है पाकिस्तान, यह रहा आपके अफगानिस्तान। तो इस आर्टिकल में कहा यह जा रहा है कि जो अमेरिका है, अमेरिका की बहुत सारी फौज अफगानिस्तान में है, क्योंकि यहाँ पर जो जो तालिबान है अफगानिस्तान में, उसका बहुत ज़्यादा आतंक रहता है कि वहाँ, यहाँ पर वो अभी देखा होगा हाल ही में, यहाँ पर जो एक गजनी सिटी है, यहाँ पर वहाँ पर तालिबान ने अटैक किया था और बहुत सारा नुकसान हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो जो तालिबान लोग हैं वह बहुत आतंक मचाए हुए हैं, और उसको ही रोकने के लिए, यहाँ पर शांति बनाने के लिए अमेरिका के जो मिलिट्री है, यह यहाँ पर थी, बहुत सालों से यहाँ पर है, ताकि शांति बनाई जाए। लेकिन अभी यहाँ पर उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है, मतलब वो लोग फेल हो रहे हैं शांति बनाने में, क्योंकि ये जो तालिबान है, यह गांव वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर है, और वो निकल के आते हैं और वापस जाके छिप जाते हैं। तो उन्हें पता नहीं चलता कि कौन यहाँ पर यहाँ की जनता है और कौन यहाँ पर वो तालिबान के लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पर उनका फेलियर माना जा रहा है। तो चलिए देखते हैं हम आर्टिकल को। आर्टिकल में यह कहा जा रहा है इस न्यूज़ में, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी अफगानिस्तान में दक्षिण एशियाई नीति की घोषणा की थी, जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए थे। तो इसमें जो कहा जा रहा है कि जो अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंडिया पास में है, और यहाँ पर इनका ईरान अभी ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वो ईरान की न्यूक्लियर डील से निकल के बाहर आए थे। और यहाँ पर पाकिस्तान की, अभी पाकिस्तान के साथ भी इनका कोई अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं। इनने अभी पाकिस्तान को जो अभी पैसे देते थे, वह भी बंद कर दिए, और कहा कि आप आतंकवादियों को पनाह देते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट निकल के आती हैं। और अभी चीन के साथ भी इनकी ट्रेड वॉर चल रही है, तो यहाँ का जो आसपास का इलाका है, इसके साथ अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं हैं। तो यह कहा जा रहा है कि अगर आसपास के इलाके में संबंध अच्छे नहीं हैं, तो इस पर्टिकुलर एरिया में संबंध शांति नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि शांति बनाने के लिए इन सब का सहयोग चाहिए हमें। इसलिए जो अभी अमेरिका इंडिया के साथ संबंध अच्छे बना रहा है, ताकि इंडिया की सहायता से यहाँ पर शांति बनाई जा सके, इसलिए कहा जा रहा है। लेकिन लेकिन अभी आपने देखा होगा कि 2003 में इराक में, 2011 में लीबिया में, और 2014 में सीरिया में, जो जो अमेरिका है, इनका जो रवैया था वो बहुत ही ख़राब था, और इनने वहाँ पर जो किया, और वो भी बहुत ही अच्छा नहीं किया इन लोगों के साथ। और आप देख सकते हैं अभी जो नॉर्थ कोरिया है, इनके साथ जो मीटिंग हुई थी अभी 3-4 महीने पहले, उसमें कहा जा रहा था कि हम शांति बनाएंगे, लेकिन हुआ क्या, इनने यहाँ जाकर दादागिरी दिखाई कि आपको अपने परमाणु हथियार सब नष्ट करने होंगे, उसके बाद ही हम कोई फैसला लेंगे। तो अभी वहाँ पर भी मनमुटाव चल रहा है, और इसके साथ ये अमेरिका जहाँ भी जाता है अपना अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करता है, अपनी मनमानी करने की कोशिश करता है, इसी के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें अब देखना होगा कि क्या क्या निकल के आता है आगे। तो ये था सा पूरा आर्टिकल, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, और एरिया भी याद रख सकते हैं किस क्षेत्र में पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली जो न्यूज़ है, इसमें कहा जा रहा है जो हमारे चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति हैं, जो कि दीपक मिश्रा जी हैं 45वें, और इनने एक नाम दिया है किसका, रंजन गगोई जी का। यह वही हैं जो कि 4 बेंचेस की जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो मीडिया के सामने आके बैठे थे, और इनने कहा था कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है, तो ये उनके खिलाफ भी बोले थे। उन्हीं का नाम इनने दिया है कि ये हमारे अगले जो 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति होंगे, जो कि अभी है न्यायाधीश हैं। तो अब ये कब तक आते हैं, और इनका कब तक चलना है, 3 अक्टूबर 2018 से 17 नवंबर 2019 को उनकी सेवानिवृत्ति तक
कब तक चलेंगे वो जो दीपक मिश्रा जी हैं, उनका होना है कार्यकाल समाप्त कब, 17 नवंबर 2019 की सेवानिवृत्ति तक। उसके बाद जो आने वाले हैं ये हमारे रंजन गगोई जी। तो अब देखते हैं आगे अगली न्यूज है जो हमारी राज्य से संबंधित है। तो इसमें आज है बुधवार, तो आज के दिन इंटरव्यू आता है। तो आज जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका इंटरव्यू आया है, जो कि पी विजयन जी हैं, तो इनका इंटरव्यू आया है। तो इनने कहा है कि जो अगर कोई भी नेशनल डिजास्टर होता है, जैसे कि कहा जाता है कि जो यूएई है वहाँ से 700 करोड़ का फंड आ रहा था केरला की डिजास्टर जो बाढ़ आई थी उसके लिए, तो हमारी जो सरकार है उसने उसको ठुकरा दिया। तो इसी के संबंध में कह रहे हैं कि अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है देश में और बाहर से सहायता आती है जो कि वो स्वयं देते हैं, लोग अपनी इच्छा से देते हैं, तो उसको हमें मना नहीं करना चाहिए। तो यह तो बात है जो कि अब पहले भी आर्टिकल आ चुके हैं इसके संबंध में, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके साथ बात यह कही जा रही है, जो हमारा अगला आर्टिकल था वो मृदा क्षरण से, उसके संबंध में बात की जा रही। तो उसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि हमारे देश में सॉइल के बारे में, सॉइल यानी मिट्टी, मिट्टी किस कितने प्रकार की होती है वो समझना होगा। तो आप देख सकती हैं फॉरेस्ट वाला और जो माउंटेन वाला एरिया है हरा वाला, तो यह जहाँ पर माउंटेन रहते हैं तो यहाँ पर मृदा क्षरण कम नहीं होता है, और ये वाला एरिया है यहाँ पर कौन सी जो मिट्टी होती है वो होती है एल्यूवियल सॉइल, जो कि नदियों के द्वारा बहा के लाई जाती है और बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ये किस क्षेत्र में, यहाँ से गंगा नदी निकल के आती है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकल के आती है, इस वाले क्षेत्र की बात की जा रही है। आप देख सकते हैं रेड सॉइल, रेड सॉइल इस वाले एरिया में है जो कि साउथ में है और यहाँ पर वेस्ट बंगाल तरफ है, उड़ीसा वगैरह में, और कुछ एरिया में इधर भी है ईस्ट एरिया में। इसके साथ ब्लैक कॉटन सॉइल ये रही कहाँ पर, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले इलाके में, और एरिड सॉइल कहाँ पर है ये वाले राजस्थान में जहाँ पर रेगिस्तान है उस वाले इलाके में। इसके साथ लेटराइट सॉइल भी यहाँ छोटी छोटी आपको दिख रही होगी, भूरी भूरी टाइप की इस तरफ है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कौन से क्षेत्र में किस तरह की मिट्टी होती है। तो अगला जो आर्टिकल है वह सॉइल से संबंधित है। आप देख सकते हैं बाढ़ आने पर किस तरह की मिट्टी का कटाव होता है, तो आप पहले सॉइल को समझ सकते हैं, सॉइल की जो प्रोफाइल होती है, सॉइल की जो लेयर होती है उसके बारे में। तो ये जो होती है पहली जो ऊपर वाली होती है वो क्या होती है, ऑर्गेनिक, जो कि हमारे यहाँ से जो कचरा होता है, जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं जो सड़ जाती हैं और फिर उसके बाद जो खाद की तरह बन जाती हैं और बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी होती हैं, उससे संबंधित होती हैं। तीसरी कौन सी लेयर है, ऑर्गेनिक्स मिक्स्ड विद मिनरल मैटर, इसमें क्या होता है कि मिनरल पाए जाते हैं जो कि किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और तीसरी कौन होती है, सिल्ट होती है, क्ले मिट्टी की जो होती है थोड़ी सी क्ले टाइप की होती है और सेंड वगैरह के कण भी रहते हैं। और फिर इसके बाद होती है जो पेरेंट रॉक, पत्थर होते हैं जो कि पत्थर वगैरह से मिलकर बनी रहती है, और इसके बाद जो होती है जो सबसे नीचे होती है वो पेरेंट मटेरियल होता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, जो हमारा जो पहली ये दो लेयर हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक होती हैं और इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं दोनों लेयर में। तो जब बारिश होती है, जब पानी बहता है, तो ये जो मिट्टी है यह बह जाती है, जिससे कि हम आने वाले खेती वगैरह करते हैं ना, तो वो उपजाऊ नहीं होती। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो मृदा क्षरण होता है उससे हमारे यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अभी आप बहुत सारी न्यूज आई वहाँ पर, या तो सीधे के सीधे आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधे के सीधे घर बह जाते हैं, सारी मिट्टी बह जाती है और जो वहाँ पर लोग रहते हैं वो भी बह जाते हैं, जानवर वगैरह सब बह जाते हैं। तो कहा जाता है कि जो बाढ़ आती है तो उससे जो मृदा क्षरण होता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनुमानित 14 मिलियन हेक्टेयर सालाना बाढ़ के कारण की जो मिट्टी है उसमें गिरावट आती है। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर मृदा का क्षरण होता है। और जैसा कि आपको बताया जो ऊपरी जो दो परतें होती हैं वह बह जाती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी एरिया के लिए। और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं जो अभी मैंने आपको मैप में दिखाया कि गंगा वाला जो कोसी, ब्रह्मपुत्र और हिमालय से चलने वाली नदियां हैं उनके किनारे स्थित बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो मिट्टी है वो भी बह के आती है, तो उनके किनारों से मिट्टी बहती है। अभी आपको अगला आर्टिकल भी दिखाऊंगा किस क्षेत्र की बात की जा रही है पर्टिकुलर। और यही कहा जा रहा है कि इसको हमें एक तरह से सीरियस तरीके से लेना चाहिए और इस पर गंभीर चिंतन करना चाहिए कि किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं। वैसे कि दोस्तों अगर हमें मृदा क्षरण रोकना है तो उसके लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ लगाने से जो पेड़ की जड़ें हैं वो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है उसको बहने नहीं देती, उसको पकड़े रखती है। तो इस तरह से कुछ हमें निकालना, सोच विचार करना चाहिए और ये जागरूक भी करना चाहिए लोगों को किस तरह से हम बच सकते हैं। तो अगली जो हमारी जो न्यूज़ है वह
मजोली रिवर आइलैंड है, जो कि कहाँ पर है, यह इस तरफ देख सकते हैं। ये जो हमारा ईस्ट एरिया है, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। थोड़ा सा इसको इस तरफ जाएंगे हम, थोड़ा सा जूम करेंगे तो हमें यह वाला एरिया, ये रहा हमारा इंडिया और यह बांग्लादेश है। यहाँ पर इस तरफ जाएंगे तो यह देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इस वाले एरिया में जो ब्रह्मपुत्र नदी बह के आती है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर इस एरिया में एक नदी के बीच में, ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक आइलैंड बना है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह का एक आइलैंड है जिसे क्या नाम क्या बोलते हैं, मजोली रिवर आइलैंड, जो कि एकमात्र आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है हमारे देश में, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं और इसमें कहा यह जा रहा है कि यह जो है, तो आप देख सकते हैं चारों तरफ इसमें पानी है और जो बना है कहाँ, नदी के किनारे पर। तो क्या होता है दोस्तों, नदी का पानी लगातार बहता रहता है, जैसा कि अभी आपको बताया कि नदी का पानी लगातार बहता रहता है, तो जिससे ये जो किनारे हैं, यहाँ की जो मिट्टी बहती जाती है, तो कहा जा रहा है कि यह जो आइलैंड है सिकुड़ता जा रहा है और छोटा होता जा रहा है, मिट्टी बहती जा रही है। तो यह एक चिंता का विषय है, इसके लिए भी कुछ सोच विचार करके करना पड़ेगा ताकि इसको रोका जाए। और साथ ही कहा जा रहा है दोस्तों, इसको जिले का औहदा कब दिया गया था, 2016 में, जो कि इकलौता द्वीप है। और ये बनता किस किस नदी के कारण है, दक्षिण में जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी और उत्तर में जो है साबुन सिरी नदी, इन दोनों से शामिल होकर बनता है। तो यह बहुत ही अच्छी जगह है और ये बहुत ही खूबसूरत भी बात भी है कि हमारे यहाँ पर भी एक ऐसा द्वीप है। इसी के साथ चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं किस आइलैंड की बात, द्वीप की बात की जा रही है, क्योंकि इस तरह से ज्योग्राफी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और नदियों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अगली हमारी न्यूज है विज्ञान और तकनीक से संबंधित। तो आप जैसे देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे आपको इस न्यूज़ को समझने से पहले आपको एक फ़ोटो में आपको समझाता हूँ। जैसे ये रहता है हमारा हिप, यह वाला हिस्सा, इस हिस्से को अगर कभी चलते टाइम कुछ एक्सीडेंट के थ्रू ये जो ये वाला पर्टिकुलर एरिया है, यह इस तरह से निकल के बाहर आ जाता है, तो इसको फिर से फिक्स नहीं किया जाता। तो फिर इसको हम किसी तरीके से आर्टिफिशियली तरीके से कुछ लोहे वगैरह, स्टील वगैरह को लगाकर इसको इस तरह से फिट करते हैं। तो यह फिट तो हो जाता है, लेकिन कुछ सालों बाद यह गलने लगता है, जिससे कि बहुत सारे इन्फेक्शन और बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो इसका पता चला अभी दोस्तों, एक कंपनी भी न्यूज़ में थी, जॉनसन एंड जॉनसन, तो इस कंपनी ने यह ट्रांसप्लांट किया था, इस तरह की टेक्निक को अपनाकर इसको लगाया था, जो कि हमारे देश से भी बहुत सारे लोगों को लगाया गया था और अमेरिका में, तो लगभग इसका भी पता चला था। तो इस कंपनी ने क्या किया था, अमेरिका के जो लोग हैं जिनका इलाज इसने किया था, उनको इनने फंड वापस कराया कि हमारी गलती है, हमसे गलती हुई है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और हम ये फंड दे गए। लेकिन इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में लोगों को कुछ भी नहीं प्रोवाइड कराया गया और इनको किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया इनने कि ऐसी प्रॉब्लम है, और सरकार ने भी कुछ नहीं किया। जैसे कि आप बहुत सारी तरीके से देख सकते हैं कि बाहर से लोग आते हैं हमारे देश में व्यापार करने, कुछ भी काम करने, और वो कुछ भी गलत सलत करके वापस चले जाते हैं और हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। जैसे कि विजय माल्या को देख सकते हैं आप, वह हमारे देश से इतना सारा पैसा लेके बाहर चला गया और हमारी सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है अभी। इसी तरीके से इस कंपनी का भी हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो अच्छी बात नहीं है। और लेखक कह रहे हैं कि इस तरह से जो घटनाएं होती हैं, इनके लिए हमारी सरकार को एक लॉ यानी कि एक नियम कानून बनाना चाहिए, ताकि हम इस पे से भी जाके आगे कुछ ना कुछ एक्शन ले सकें और कुछ ना कुछ अल्टरनेट उपाय निकाल सकें, क्योंकि इससे अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग हमारे देश से बाहर भागते रहेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और एक एग्जांपल और आता है, जैसे कि भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, तो वहाँ का जो उस कंपनी का मालिक था वह इंडिया से बाहर भाग गया और उसका आज तक कुछ भी नहीं हो पाया है। तो हमारे देश के नेताओं को ज़रूरत है और जो सरकार है उसको ज़रूरत है एक कानून बनाने की, ताकि हम इस पर भी कोई कड़ा एक्शन ले सकें। यह थी हमारी न्यूज़, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अब जो अगली न्यूज़ है अर्थव्यवस्था से संबंधित, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अमेजोन जो कंपनी है, आप देखते होंगे दोस्तों, आप भी यूज़ करते ही होंगे, अमेजोन से कुछ भी चीज़ मंगाते हैं, खरीदते हैं, ऑनलाइन खरीदते हैं जो कि, तो वह जो अमेजोन कंपनी है उसका जो अभी जो व्यापार है वह $1 trillion हो गया है, जो कि अभी तक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है विश्व में। अब इस अमेजोन के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं, इसके संस्थापक कौन थे, जेफ बेजोस, कब स्थापित की थी, 5 जुलाई 1994 में, कहाँ पर,
सीएटल वॉशिंगटन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और आप यहाँ पर इनके ग्राहक देख सकते हैं कितने सारे हैं, करोड़ों में हैं। और शेयर की कीमत कितनी है अभी इनकी, 2.039 US डॉलर। और इनके सीईओ कौन है, जेफ बेजोस, 1996 से हैं। तो इनकी सहायक और कौन कौन सी कंपनियां हैं, जेपोज, Stoic.com, बुक डिपोजिटरी और अधिक। तो आप ये सब इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं। और इनका बस ये आपको याद होना चाहिए कि तो आप याद रख सकते हैं इनके जो संस्थापक कौन हैं और ये कहाँ की कंपनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी। छोटी छोटी सी बातें आप याद रख सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं क्योंकि न्यूज़ में रहती हैं सब चीज़ें। तो चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ जो कि है खेल से संबंधित। अभी जो खेल हुए हैं उसके बारे में कहा जा, तो जो अभी एशिया गेम ख़त्म हुए हैं तो उसी से संबंधित कहा जा रहा है कि चाइना है, जो चाइना ने टोटल मेडल कितने जीते, 2976, जिसमें से उन्होंने टोटल कितने गेम में पार्टिसिपेट किया था, 15। और उनकी एवरेज नंबर ऑफ मेडल पर गेम कितने हैं, 198.4 हैं। जापान का भी आप याद रख सकते हैं कि उन्होंने 2849 गेम में मेडल जीते हैं और कितने गेम में पार्टिसिपेट किया था, 17। तो उनका एवरेज कितना निकाला उनने, और 167.6। और इंडिया का आप देखें तो कहाँ पर पहुँच गया है, 596 टोटल मेडल हमने जीते और हमारा जो हमने कितने गेम में पार्टिसिपेट किया, 17, ठीक है, जो कि हाईएस्ट ही है। जापान ने भी इतने में किया था और हमने भी किया था, और आप देख सकते हैं चीन ने 15 में किया था, फिर भी उनका एवरेज और मेडल कितने सारे हैं। और हमारा एवरेज कितना है, 35.1, 35.1, कितना नीचे है। फिर भी इस बार जो हमारे एशिया गेम हुए इसमें हमारा जो प्रदर्शन था वो अभी तक का सबसे शानदार प्रदर्शन था हमारा, जिसके लिए हमारे जो एथलीट्स हैं उनको बधाई। तो यह था हमारा आज का डिस्कशन। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं डिसलाइक क्यों किया है। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि उन लोगों को भी मिल जाए जिन लोगों को इस वीडियो को आवश्यकता है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप टेलीग्राम पर जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपको एक वीडियो और आ रही है मेरी, जिसमें जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं, 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, वह भी मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी, तो आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।